दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम चौथा टेस्ट मुकाबला जीते तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, खेल के दूसरे दिन फिर एक बार जार्वो को क्रिकेट का उल्लंघन करते हुए देखा गया। बीच मैदान पर इंग्लैंड के विकेट कीपर बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो के बीच मैदान पर ही हाथापाई करते हुए देखा गया, जिसके बाद मैदान पर ही मजबूरन पुलिस को भी आना पड़ा और जार्वो को घसीटकर मैदान के बाहर ले जाया गया। लेकिन अब की बार पुलिस ने जार्वो को जेल में बंद कर दिया। तो आखिरकार जार्वो को कितनी सजा होगी, किन किन बातों का उन्होंने उल्लंघन किया, सारी जानकारी देंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि भारतीय टीम चौथे टेस्ट मुकाबले को जीत पाएगी या फिर नहीं, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच में सीरीज का चौथा टेस्ट मुकाबला तो ओवल के मैदान पर खेला जा रहा है। भारतीय टीम ने इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए 191 रन बनाए थे, जिसमें विराट कोहली और शार्दुल ठाकुर ने अर्धशतकीय पारी खेली और उसके बाद सारा दारोमदार गेंदबाजों के ऊपर आ चुका था, क्योंकि भारतीय टीम इस मुकाबले में सिर्फ और सिर्फ अपनी गेंदबाजी के चलते वापसी कर सकती थी। लेकिन दोस्तों, भारतीय गेंदबाजी तो इस मुकाबले में इतनी शानदार रही थी कि इंग्लैंड की टीम के सिर्फ 62 रन के स्कोर पर 5 विकेट गिरा दिए थे। दूसरे दिन का खेल काफी ज्यादा रोमांचक हो रहा था। इस बीच मैदान पर फिर एक बार जार्वो सारी सीमाओं को पार करते हुए बीच मैदान पर आ गए। जार्वो को मैदान पर भागता देख सभी खिलाड़ी हंसने लगे। इस बीच वो सीधा दौड़ते हुए पिच पर जा पहुंचे, जहां पर जॉनी बेयरस्टो बल्लेबाजी कर रहे थे और जाकर उन्हें धक्का भी मारा। अचानक से अपने साथ हुए इस व्यवहार को देखने के बाद तो जॉनी बेयरस्टो भी दंग रह गए और उसके बाद बीच मैदान पर ही वो जॉनी बेयरस्टो से उलझते हुए भी नजर आए। जार्वो की इस हरकत को देखने के बाद तो मैदान में मौजूद हर एक शख्स पेट पकड़कर हंस रहा था, क्योंकि इससे पहले भी दूसरे और तीसरे टेस्ट मुकाबले में जार्वो को इसी तरह की हरकतें करते हुए मैदान पर देखा गया था। और उसके बाद आनंद फानंद में पुलिस को मैदान पर आना पड़ा और अब की बार जार्वो को न सिर्फ पुलिस मैदान के बाहर ले गई बल्कि सीधा ले जाकर जेल में बंद कर दिया, क्योंकि जार्वो ने क्रिकेट की कई मर्यादाओं का उल्लंघन किया था। पहले तो उन्होंने बायो बबल को तोड़ा और उसके बाद उन्होंने बल्लेबाजी कर रहे जॉनी बेयरस्टो को धक्का भी मारा और उसके बाद वो पिच पर उनसे उलझते हुए नजर आ रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें सीधा जेल में बंद कर दिया। अब देखना होगा कि जार्वो को कितने साल की सजा होती है। वैसे दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है कि जार्वो को जेल होनी चाहिए या फिर नहीं, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।